इंस्टाग्राम यूज करते हैं? अगर हाँ तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां पर आपको प्रोडक्ट सर्विसेज सब प्रोवाइड की जाती हैं। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके अच्छी खासी कुछ सर्विसेज प्रोडक्ट ऑनलाइन जो आप सर्विस दे रहे हैं उनका अच्छा खासा काम भी चल रहा है, अच्छे खासे फॉलोअर्स भी हैं। अब ऐसे में अगर आपको डीएम आता है, जिन्होंने अभी अभी इंस्टाग्राम ज्वाइन किया कुछ टाइम से, तो मैं बता दूं, अगर नहीं पता कि डीएम की जो फुल फॉर्म है वो है डायरेक्ट मैसेज को बोलते हैं डीएम, अगर उनके पास डीएम आ जाए और वो भी वेरीफाइड आईडी से जिसमें टाइटल हो हेल्प सेंटर और उसमें वो क्लेम किया गया है कि वो इंस्टाग्राम कॉपीराइट क्लेम जो फॉर्म भरा जाता है उसकी तरफ से ये मैसेज है, ये डीएम आया है। अब अगर उसमें ये बात लिखी हुई है कि आपके अकाउंट के खिलाफ हमें काफ़ी कंप्लेंट्स मिली हैं और आपकी बहुत सी ऐसी पोस्ट ऐसी हैं जो हमारी कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट हैं, और अगर आपको लगता है कि ये जो कंप्लेंट आपके खिलाफ हुई है ये गलत है, फॉल्स है, तो आप फीडबैक दीजिए। और अगर आपने फीडबैक नहीं दिया तो विद इन जितना भी वो टाइम उसमें लिखा होगा इतने टाइम के अंदर आपके अकाउंट को परमानेंटली आपका अकाउंट जो है वो डिलीट कर दिया जाएगा, उसे हटा दिया जाएगा। तो ऐसे में आप तो घबरा जाएंगे कि ये कैसे हो गया, और उसके साथ ही आपको एक कॉपीराइट अपील फॉर्म भी अटैच मिलेगा और उसमें ये कहा जाएगा कि यूज़र्स जिनके पास भी ये डीएम आया है कि वो इसमें अपनी डिटेल भरें। अगर आपको लगता है फॉल्स कंप्लेन है तो आप इसमें फीडबैक दीजिए, आप इसमें अपना पासवर्ड बताइए, अपना एड्रेस बताइए और भी बहुत सी इंफॉर्मेशन वो मांगेंगे, और आप भर दोगे क्योंकि आपको तो लगेगा ये इंस्टाग्राम से आया है और मेरी इंफॉर्मेशन सेफ है और ये इंस्टाग्राम के पास जाएगी। लेकिन वो जाती है हैकर्स के पास और विद इन फ्यू मिनट्स आपका अकाउंट हैक, हैकर्स आपके अकाउंट को लॉगिन करके उसके बाद उसमें सारा कंट्रोल वो अपने अंडर कर लेंगे, आपके सब पासवर्ड, मोबाइल, ईमेल सब चेंज कर देंगे और आप अपने ही अकाउंट से आउट। अब वो ऐसा करते क्यों हैं, क्या मोटिव है उनका ये सब करने का? अब देखिए, अगर आपका अकाउंट किसी सेलिब्रिटी का मान लीजिए या आपका ही अच्छा खासा बिजनेस है, वो इन अकाउंट्स की जो पर्सनल डिटेल है वो डार्क नेट पर सेल करते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, अगर किसी सेलिब्रिटी का, बहुत से सेलिब्रिटी हैं जिनका इस तरह से, जिनके साथ स्कैम हो भी चुका है और वो स्कैम के झांसे में आ भी चुके हैं, और ऐसे सेलिब्रिटी की जब पर्सनल डिटेल उनको अगर बेचनी है डार्क नेट पर तो उन्हें कितना पैसा मिलेगा, और जिनके अच्छे खासे प्रोडक्ट सर्विसेज का ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है इस प्लेटफॉर्म पर, तो उनसे उन्हें कितना बेनिफिट होगा। तो अगर इस तरह का आपके पास कोई भी डीएम आता है तो आप अलर्ट रहिए। आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि इंस्टाग्राम कभी भी अपने यूजर्स को डीएम नहीं करता, आप ये बात अपने माइंड में रखिए। और अगर आपको इस तरह का कोई डीएम आता है तो आप कोई भी रिप्लाई मत कीजिए, कोई इन्फॉर्मेशन उसमें फिल मत कीजिए। तो ये है इंस्टाग्राम कॉपीराइट क्लेम का जो स्कैम है, जो आजकल चला है, नए नए स्कैम आ रहे हैं, लेकिन आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। आप इस तरह की जानकारी रखिए, आगे भी इसे शेयर कीजिए ताकि और भी इस तरह के स्कैम से बच पाएं।